मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज नीट परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीसीसी चीफ पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार को जमकर घेरा। पटवारी ने कहा कि बच्चों की बौद्धिक हत्या अगर कहीं से शुरुआत हुई तो वह मध्य प्रदेश है। पहले व्यापम के माध्यम से बच्चों के भविष्य को इन्होंने रौंदा। पुलिस भर्ती परीक्षा में घपले हुए, वन रक्षक, सहकारी बैंकों में भर्ती का घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश को घोटालों की नर्सरी बना दिया। भाजपा की सरकार घोटाला को संरक्षित करती है। नरेंद्र मोदी पेपर लीक करवाते हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्री घोटाला करवाते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी खुद पेपर लीक करवाती है, उसके पदाधिकारी करवाते, उसके नेता करवाते, उसके मुख्यमंत्री और मंत्री करवाते, जो करवाते हैं इसका प्रमाण है। एक प्रदीप जोशी आरएसएस के और एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। 2000 से पहले वो सबसे पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति होती है प्रोफेसर के पद। फिर वो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन बनते हैं 2006 में, जब बीजेपी की आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार थी। तभी जितने नाम मैंने लिए इसमें से 80% घपले और घोटाले उन्हीं के कार्यकाल में हुए। पीएससी के माध्यम से ये एग्जाम्स होती थी। वही शख्स प्रदीप जोशी फिर छत्तीसगढ़ 3-4 महीने पहले ये पीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देते हैं और छत्तीसगढ़ के पीएससी के कंट्रोलर चेयरमैन बनते हैं। उसके बाद फिर यूपीएससी देश के इनको चेयरमैन बनाया गया। तब यूपीएससी के जितने कलेक्टर आईएएस और आईपीएस बने हैं, मैं मांग करता हूं देश में, देश की सरकार से और मीडिया के माध्यम से देश की जनता से कि जो प्रदीप जोशी जी के टाइम पर जितने यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हुए आईपीएस और आईएएस चुने गए वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मैनिपुलेशन हुए होंगे, 100% हुए होंगे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसका कारण है कि जहां जहां आदरणीय प्रदीप जोशी जी गए वहां वहां एक लंबी फहरिस्त इस तरह के घपले और घोटालों की बनती रही। ऐसे घपले और घोटाले होते रहे, ये जांच का विषय है। फिर इन्हीं को यूपीएससी की जो चेयरमैनशिप से बाद 2023 में अगस्त में ये नेट और नीट की एग्जाम के चेयरमैन बनाया गया है, जो इसकी कंट्रोलिंग संस्था है उसके चीफ बने हैं। और उसी के बाद वहां भी पेपर लीक की एक लंबी लाइन सी लगी है जो आज ताजा पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है। वो करवाने वाले भी उस संस्था के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप जोशी जी कि या तो नरेंद्र मोदी जी खुद करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद करवाती है, या रोकने में असफल है। एक व्यक्ति ऐसा जो खुद जिस पद पे जाता है वहां घपले और घोटालों की एक लंबी फहरिस्त आती है, ये कौन है? ये प्रदीप जोशी जी और किस संस्था से जुड़ा हुआ है? ये क्या कारण है कि सभी घपले और घोटाले होते हैं फिर भी ये पदों पे बैठा रहता है? ये सवाल है या नहीं है? ये प्रश्न आज बनता है या बनता है? फिर से मांग करता हूं कि ये प्रदीप जोशी, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनसे पूछताछ करनी चाहिए। ये जब जब जिस जिस एग्जाम के हेड रहे इनके कार्यकाल में हुए उस पर पूरी ताकत से उनकी पूरी जांचें होनी चाहिए। बार बार हर बार लगातार भविष्य के कत्ल की खबरें आती है। देश के आम जन के परिवार के बेटे बेटियों को बौद्धिक न्याय मिलेगा कि नहीं, ये देश में प्रश्न खड़ा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश देश की राजधानी है। ये बौद्धिक हत्याएं अगर कहीं से सबसे पहले चालू हुई ज्ञापन के माध्यम से तो वो हमारा अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जिसके माथे पे ये कलंक है कि यहाँ की शिवराज सिंह सरकार ने किस तरीके से भी किस बेरहम तरीके से देश के भविष्य को, छात्रों के भविष्य को, आपके बेटे और बेटियों के भविष्य को रौंदा है। ये वो प्रदेश है जिसमें व्यापम का कांड हुआ, जिसमें खाद्य निरीक्षक के एग्जाम में घपले हुए, जिसमें पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में घपले हुए, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक की एग्जाम में घपले हुए, ये पुलिस हवलदार की एग्जाम में घपले हुए, या स्कूल शिक्षकों के चयन में घपले हुए, यहाँ पे दुग्ध संघ डेयरी अधिकारियों की नियुक्तियों में घपले हुए, यहाँ वन रक्षक की नियुक्तियों में घपले हुए,
यहाँ पर आरटीओ कांस्टेबल की नियुक्तियों में घपले हुए, यहाँ पर आरटीओ ये प्लाटून कमांडर की नियुक्तियों में घपले हुए, सुबेदार निरीक्षक की नियुक्तियों में घपले हुए, पटवारी भर्ती घोटाला का कलंक भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसी सरकार और इसी आज जो सरकार है उसी की रहनुमाई में मध्य प्रदेश में कलंकित हुआ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला भी यहीं का है, जबलपुर और शहडोल की सहकारी बैंकों के घपले और घोटाले की एग्जाम्स के माध्यम से लगातार नर्सरी बना दिया, राजधानी बना दिया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पीटी और पीएमटी के प्री और प्रीजी मेडिकल कॉलेज के सारे एग्जाम्स के घपले और घोटाले हुए। पेपर लीक में मध्य प्रदेश अव्वल है। थोड़ा दिन पहले इंदौर का एक कांड जिसमें पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने यहाँ के उस शिक्षा विभाग के आयुक्त ने जाके 5 लाख रुपए का फाइन और छोड़ दिया। ये अपने आप में मैसेज था कि ये सरकार संरक्षित करती है ऐसे घपलेबाजों को, घोटालों को। नरेंद्र मोदी जी, जैसा राहुल गांधी जी ने कल कहा कि या तो नरेंद्र मोदी जी अक्षम है, सक्षम नहीं है, फेल हो गए इस ऐसी एग्जाम के घपले और घोटालों को रोकने के, पेपर लीक को रोकने में असफल रहे हैं या खुद करवाते हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग घोटाले में मास्टरमाइंड महेंद्र गुप्ता की जांच होना चाहिए। इस घोटाले का मास्टरमाइंड महेंद्र गुप्ता किसका ओएसडी है? इस घोटाले के लिए दोषी मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धरना प्रदर्शन में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने इस दौरान कहा कि परीक्षाओं में हो रहे घोटाले से 14 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मोहन यादव बताएंगे कि इस मामले में कुछ करेंगे। नेट एग्जाम में जब शिकायत आई तो उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन नीट जिसमें 14 लाख बच्चों का भविष्य निर्भर है उसे रद्द नहीं किया। सिंह ने कहा कि भाजपा के राज में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वहां घपला हुआ है, चाहे वह एमपी हो, यूपी या राजस्थान हो। पहले तो मध्य प्रदेश की यही बदनामी होती थी कि व्यापम के डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे, अब तो नीट में घोटाला हो गया। जिनकी नीट के जरिए भर्ती होगी जो एम्स में पहुंच जाएंगे। अब जानकारी मिल रही है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर उन्हें पहले कॉलेज मिल जाएगा, यह सब घपले का तरीका है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धरना प्रदर्शन में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने इस दौरान कहा कि परीक्षाओं में हो रहे घोटाले से 14 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मोहन यादव बताएंगे कि इस मामले में कुछ करेंगे। नेट एग्जाम में जब शिकायत आई तो उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन नीट जिसमें 14 लाख बच्चों का भविष्य निर्भर है उसे रद्द नहीं किया। सिंह ने कहा कि भाजपा के राज में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वहां घपला हुआ है, चाहे वह एमपी हो, यूपी या राजस्थान हो। पहले तो मध्य प्रदेश की यही बदनामी होती थी कि व्यापम के डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे, अब तो नीट में घोटाला हो गया। जिनकी नीट के जरिए भर्ती होगी जो एम्स में पहुंच जाएंगे। अब जानकारी मिल रही है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर उन्हें पहले कॉलेज मिल जाएगा, यह सब घपले का तरीका है। सिंह ने एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी से इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि वह जब एमपीपीएससी के अध्यक्ष बने तब परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, छत्तीसगढ़ गए तो वहां पेपर लीक हुआ, यूपीएससी गए तो वहां भी शिकायतें आने लगी, एनटीए चेयरमैन बने तो यहां पेपर लीक हो रहे। भाजपा ऐसे ही व्यक्तियों को चुनती है जो कि खुद खाएं और खिलाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रदीप जोशी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मंत्री जी भले ही इस्तीफा ना दें, लेकिन कम से कम एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी का इस्तीफा तो ले लीजिए। सब इसी मिलीभगत का कारण है कि अविश्वास पैदा हो गया है। सिंह ने आगे कहा कि भाजपा और आरएसएस का स्वरूप एक जैसा ही है, वे खाओ और खाने दो की मानसिकता पर काम करते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर लूटते हैं। जहां जहां भाजपा का राज रहा है ऐसा ही हुआ है। जब से मोदी सरकार आई है घोटाले हो रहे हैं। एक भी घोटाले में न तो उन्होंने जांच कराई और न अपना मुंह खोला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के समय में मध्य प्रदेश में व्यापमन घोटाला हुआ, अब वे दिल्ली चले गए, वहां नीट और नेट घोटाला हो गया, पूरा खेल इनका है, इनसे नीट और नेट घोटाला।
इनसे ही एनडीए और नरेंद्र मोदी का नाम आता है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि घोटालों के पीछे की वजह देखेंगे तो कोई न कोई भाजपा से जुड़ा व्यक्ति शामिल पाया जाता है। कमलेश्वर ने कहा एक और बड़ा घोटाला ईवीएम का है। अभी एलन मस्क ने जो कहा उसकी यदि सही जांच हो जाए तो सच सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि एमपी में इतने घोटाले हो रहे हैं, ये युवाओं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अकेले राजनीतिक दलों के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, सबको इस माहौल के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी।